अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप ये आप देख रहे हैं, ये आया सोफिया मस्जिद है और इसके ठीक सामने ये पेड़ों से छुपी हुई ब्लू मॉस्क है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना बड़ा सा गुंबद, के अंदर ऑटोमन एम्पायर के 36 सुल्तानों की कब्र मौजूद है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ मुख्तसर तारीख और आपको दिखाएंगे 36 ऑटोमन एम्पायर्स की कब्रें। सबसे पहले तो आप ये समझें कि खिलाफत उस्मानिया ये कब कायम हुई, इसके बानी कौन थे। तो आप लोगों ने अर्तगल गाजी देखा है, हाय मुफ्ती साहब छाए में आ जाते हैं, आप लोगों ने अर्तगल गाजी देखा है और उस अर्तगल गाजी में आप लोगों ने सारी ये चीज़ें देखी होंगी कि अर्तगल गाजी की जो पैदाइश है वो हुई थी 1191 में करीब करीब, और उनकी जो वफ़ात हुई थी वो 1281 के करीब हुई थी। अर्तगल गाजी के जो बेटे थे उस्मान गाजी, उनकी पैदाइश 1258 में और उनकी वफ़ात 21 अगस्त 1326 में हुई थी। अर्तगल गाजी ये अनातोलिया के एक खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी ताकत भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे और कबीलों की थी, लेकिन ये सलजूक सल्तनत के बड़े वफ़ादार थे और उससे जुड़े रहे। धीरे धीरे इनकी ताकत बढ़ती चली गई और फिर इनके बेटे उस्मान गाजी ने अपने वाले साहब अर्तगल गाजी की वफ़ात के बाद खिलाफत उस्मानिया की, उस्मानिया सल्तनत या ऑटोमन अम्पायर की नींव रखी। और फिर तकरीबन 100-150 साल के बाद 1517 में खिलाफत उस्मानिया कायम हुई और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ख़ान ने फ़ातेह मस्जिद कुस्तुनतनिया को फतह करने के बाद फ़ातेह मस्जिद को बनाया, जिसका व्लॉग हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो असल खिलाफत उस्मानिया जो कायम हुई थी वो 1517 में हुई थी और इसका जो एंड हुआ था वो 1924 में, फिर इस पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन टोटल टाइम यानी अर्तगल गाजी के ज़माने से देखा जाए, क्योंकि अर्तगल गाजी के ज़माने में तो नहीं थी, उनके बेटे उस्मान गाजी ने खिलाफत उस्मानिया का एक ख्वाब देखा था, तो टोटल टाइम बैठता है 1299 से 1 नवंबर 1922 तक, तकरीबन 650 साल इस तरह से खिलाफत उस्मानिया के हो जाते हैं। और मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, मुफ्ती साहब आगे चलते हैं कि ऑटोमन अम्पायर की क्यों बात की जाती है, हालांकि रोमन साम्राज्य भी गुजरा है, मुगल शासक भी रहा है। अच्छा, इसकी बात इसलिए भी की जाती है क्योंकि खिलाफत उस्मानिया जो है ना 3 जगह तक फैली, एशिया में, यूरोप में और साउथ अफ्रीका में, और ये इतने लंबे समय तक चली। और जो सल्तनतें रही हैं, जैसे कि आप रोमन साम्राज्य को ले लें तो उसमें क्या है, मारा कटाई बहुत ज़्यादा रही, जुल्म बहुत रहा, लेकिन खिलाफत उस्मानिया जो है ना ये एक ऐसा सुनहरा बाब है मुसलमानों की तारीख का, इस्लाम की तारीख का, कि ये इतने लंबे टाइम तक एक तो ये खिलाफत रही और इतने लंबे टाइम तक ये बरकरार रही इंसाफ के साथ, हक के साथ, लोगों की भलाई के साथ। अब इसमें जब खिलाफत उस्मानिया कायम हुई थी तो इसमें जो 36 बादशाह गुजरे हैं, जिसमें से पहले हैं सुल्तान फ़ातह मोहम्मद ख़ान, जिन्होंने 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। और मुफ्ती साहब वो हदीस कौन सी है? जी, मुस्नद अहमद में वो हदीस पाक मौजूद है, लतुफ़तहुन्नल कुस्तुनतुनिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम कुस्तुनतुनिया को ज़रूर भी ज़रूर फतह करोगे, फ़लनिअमल अमीर अमीरुहा वलनिअमल जैश जैशुहा, कि उस कुस्तुनतुनिया को फतह करने वाली जो जमात होगी उसका अमीर जो होगा वो बेहतरीन अमीर और गाइडर होगा और बादशाह होगा, और वो पूरी जमात होगी वो तमाम जमातों में अफजल तरीन जमात होगी। तो हज़रत मुफ्ती साहब जिस जमात का तस्किरा फरमा रहे गोया हदीस पाक की रोशनी में भी उनकी अफजलियत और फजीलत का सबूत हमें मिलता है। जी, तो अर्तगल गाजी से इसकी शुरुआत हुई और उनके बेटे उस्मान गाजी ने इसकी बुनियाद रखी और फिर तकरीबन 650 साल से ज़्यादा ये हुकूमत रही है। असल जो हुकूमत है वो 1517 में कायम हुई जब सुल्तान फ़ातह मोहम्मद ख़ान ने इस्तांबुल को इस्लामबुल बनाया और कुस्तुनतुनिया को फतह किया, उस वक्त इसका नाम कुस्तुनतुनिया था। तो 36 जो इसके बादशाह और सुल्तान गुजरे हैं उनकी कब्रों को हम दिखाएंगे और आप लोग देखेंगे। वैसे तो अर्तगल गाजी की जो
कब्र है वो सोगुत में है, जो कि अनातोलिया में है, और उस्मान गाजी का जो मज़ार है वो बुरसा में है। वहाँ जाने का हमारे पास वक्त नहीं था, लेकिन हम आपको यहाँ पर बाकी के जो सुल्तान हैं उनकी खबरें दिखाना चाहते हैं, और मुख्तसर तारीख थी जो हमने आप लोगों को बताई। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ये देखिए आप, 36 ऑटोमन एम्पायर्स के जो बादशाह गुज़रे हैं, सुल्तान गुज़रे हैं, उनकी ये मुबारक कब्रें हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे दी। ये देखिए आप, ये देखिए, उस्मानी सल्तनत के 36 सुल्तान्स की ये कब्रें हैं। देखिए आप, ये देखिए नाम लिखा हुआ है सुल्तान अहमद ख़ान, दूसरे पर लिखा हुआ है ऐसे सुल्तान, और ये देखिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये मुबारक कब्रें उस्मान गाजी की जो औलाद में से, अर्तगल गाजी की औलाद में से जो उस्मानी सल्तनत कायम हुई थी ना, उसके जो सुल्तान थे उनकी ये कब्रें हैं। देखिए आप, 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर इस आले सवाब ज़रूर करें। देखिए ये फ़ातिमा सुल्तान, सुल्तान मुराद ख़ान, यहाँ पे लिखा हुआ है सुल्तान मुराद ख़ान, उनकी फैमिली और उनके लोगों की कब्रें। ये देखिए, ये देखिए, ये सब उनकी औलाद की खबर है। तो ये सुल्तान अहमद के और ऑटोमन एम्पायर्स के जो 36 सुल्तान गुजरे हैं, उनमें से कुछ सुल्तान की और कुछ उनके घर वालों की खबरें हैं। देखें, बाहर साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है कि सुल्तान अहमद की घर वाले और उनमें से कुछ सुल्तान की खबरें हैं। देखें, ये पूरा नाम लिखा हुआ है राबिया सुल्तान, है ना, उनकी ये खबरें हैं। और आप लोगों को पता है अर्तगल गाजी का जो मज़ार है वो सोगुत में है, उनका मज़ार कैसा है उसकी भी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उस्मान गाजी का जो मज़ार है वो बुरसा में है, और बुरसा में जो उनका मज़ार है उसका फ़ोटो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी क्या है कि जिस सुल्तान ने जो मस्जिद बनवाई उनका मज़ार वहीं पर है, जैसे सुल्तान फातह मोहम्मद ख़ान ने जिन्होंने इस्तांबुल को फतह किया था, उनकी कब्र उसी मस्जिद में है, और कुछ सुल्तानों की कब्रें यहाँ पर हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाई। सोगुत यानी अर्तगल गाजी की कब्र पर जाने का हमें मौका नहीं मिला क्योंकि टाइम हमारा बहुत कम था, तो चूँकि हमें सल्ली उर्फा भी जाना था इसीलिए टाइम वहाँ चला गया, बुरसा भी हम नहीं जा पाए, लेकिन ये सारी ज्यारतें हम आपको करा रहे हैं। देखें, अर्तगल गाजी का मज़ार भी आप देखें और उस्मान गाजी का मज़ार भी देखें, और ये जो है जो बाकी के सुल्तान थे उनके मज़ारात हमने आपको दिखाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी हिस्ट्री और उसके साथ साथ ये सुल्तानों की कब्रें जो ऑटोमन एम्पायर्स के
सुल्तान कहे जाते थे वो देखकर आप लोगों को यकीनन अच्छा लगा होगा। मेरे पीछे है आया सोफिया मस्जिद और सामने है ये ब्लू मॉल। ऑटोमन एम्पायर को ऑटोमन एम्पायर क्यों कहा जाता है, तो असल तो इनका नाम था उस्मान एम्पायर। उस्मान एम्पायर से फिर जो दूसरे लोग थे जो सानी बोल पाते, तो उन्होंने कहना शुरू किया उस्मान एम्पायर, और बाद में जाके ये आगे जाके ऑटोमन एम्पायर हो गया। तो इसकी कुछ ऐसी कहानी है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।